हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम पालक के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। पालक खिलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को। बच्चे बड़े टेस्ट के साथ खाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या सामग्री ली है। ये हमने कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री ली है और ये ग्रेवी बनाने के लिए। कोफ्ता बनाने के लिए हम ऑयल लेंगे, ये डीप फ्राई के लिए भी यूज़ करना है, और 1 टेबल स्पून हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। ये हमने 400 ग्राम पालक लिए है, धोया है और उसको काटा है अच्छे से। ये हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, 2 हरी मिर्च उसको बारीक काटा है हमने, 4 से 5 लहसुन के टुकड़े, और ये धनिया पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून, और ये बेसन लिया है 1/2 कप जितना। ये मिक्सी जार में हमने 1 ऑनियन लिया है, प्याज, और ये लहसुन के टुकड़े लिए हैं 4-5, 1 हरी मिर्च लिए और काजू 6 से 7 टुकड़े लिए हैं। हमने 3 टमाटर लिए हैं, धनिया पत्ता 1/2 कप जितना लिया है, और ये हल्दी 1/4 टेबल स्पून जितनी, और नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला लिया है 1/4 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम एक बोल में ये कोफ्ता बनाने का सारा मसाला हम मिक्स कर लेंगे, आलू को छोड़कर। आलू हम थोड़ा बाद में उसको मैश करेंगे, बट पहले इन सब इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें पानी भी मिला सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना पानी मिलाया है, उसको 2 बार में मिलाया, और अगर आप चाहो तो ना भी मिलाओ, ये आपकी इच्छा। देखिए मैंने पोटैटोज भी इसमें एकदम मैश कर लिए हैं। अगर पालक है वैसे उसमें से भी पानी निकलता है, इसके अगर आप इसमें पानी नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा। देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। इसको एकदम अच्छे से धोकर और कट करके ही डालना है। बस को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, थोड़ा डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया है, फिर थोड़ा सा लिया है। इस तरह से आप उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉल को पूरा शेप देना है, और इसको मैंने मैदे से कोट किया है। आप चाहो तो इसको कॉर्न स्टार्च से भी कोट कर सकते हो, या फिर गेहूं के आटे से भी कोट कर सकते हो। इसी तरह से मैंने सारे कोट कर दिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल गरम करना है हमें, तो ऑयल गरम हो चुका है। इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते तो तैयार हो चुके हैं, तभी हम इसको निकाल देंगे। अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे,
और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, काजू और टमाटर की प्योरी डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्म होने देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और अब इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। ये देखिए तेल एकदम अच्छे से अलग हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने आधा कप जितना पानी डाला है एक बार में और ये उबाल आने तक इसको एकदम अच्छे से गर्म करना है और इस पानी से हमें इसकी कंसिस्टेंसी पता पड़ेगी कि हमको इसमें कितनी थिकनेस रखनी है। तो ये मैंने 1 कप जितना टोटल पानी ऐड किया है। जब उबाल आ जाए तो इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको 2 मिनट तक अच्छे से चलाते रहना है। ये हमने कोफ्ते डाल दिए हैं अब इसमें। अब इसको हम 2 मिनट तक ढक कर रखेंगे। 2 मिनट बाद देखिए ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। हमने धनिया पत्ता डाल दिया है और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो कि ग्रेवी और पतली करनी है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हो। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस रेसिपी, आपको पसंद आई हो। और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।